are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you are watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. Television. You are watching Channel Y. Channel Y. You are... Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. Hi, this is Priyanka Chopra and you are watching Channel Y. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. You are watching Channel Y. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं चैनल वाई. आपके साथ मैं हूं शैली सैनी. चैनल वाई पर ये हमारी खास पेशकश है जिसके जरिए आप जान सकते हैं अपने कैंडिडेट्स के बारे में. बहुत जरूरी होता है अपने कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी रखना. सो नो अबाउट योर कैंडिडेट्स, नो योर कैंडिडेट्स. इस सीरीज में आज मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं. मेरे साथ हैं ब्रैम्पटन वेस्ट से कंजर्वेटिव कैंडिडेट मुरारी लाल थपलियाल जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका. शैली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पूरे वाई चैनल की टीम का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. आप सभी व्यूअर्स को मुरारी लाल थपलियाल का प्रणाम. मुरारी लाल जी, जो भी इस वक्त टीवी देख रहे होंगे उनके मन में सवाल होगा कि मैं ज्यादा जानना चाहता हूं या चाहती हूं इनके बारे में, तो अगर आप संक्षेप में उन्हें बताएं कि आखिर आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आपने फैसला किया कि आप राजनीति में आएंगे, तो जरा बताइए. वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच. एक साथ कई प्रश्न हैं और उन सब का जवाब मैं आराम से देना चाहूँगा. सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ से हूँ, मुरारी लाल थपलियाल कौन है. मेरा जन्म हिमालयन रिमोट विलेज उत्तराखंड में हुआ 1965 में. मैं बहुत गरीब किसान परिवार से हूँ. मैं यहाँ पर बात करूँगा व्यक्तिगत अपनी स्टोरी की, अपनी कहानी की. मैं सारे गढ़वाल या सारे उत्तराखंड की बात नहीं करूंगा क्योंकि अमीरी और गरीबी तो हर मुल्क में है, हर प्रदेश में है. लेकिन यहाँ मैं अपनी बात करूंगा. गरीब किसान परिवार में पैदा होने से काफ़ी दिक्कतें आई और आपको पता होगा कि जब गरीबी हो तब सपने देखना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन मैं गरीब किसान का बेटा अपने बड़े सपने लेकर के 17 साल की उम्र में मुंबई चला गया क्योंकि गांव में गरीबी इतनी थी, साधन नहीं थे. तो मुझे लगा कि अगर मैंने जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. अगर कुछ एजुकेशन फर्दर करनी है तो साधन नहीं है क्योंकि जो मेरा इंटर कॉलेज था वो 13 किलोमीटर दूर था अपने गाँव से, दुर्गम रास्ता, कठिन सड़कें. मैंने डिसाइड किया तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा, अगर जीवन में आपने कुछ करना है, अगर आप समाज के लिए कुछ कर पाओ तो उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है और तुम्हारा कॉलेज 13 किलोमीटर दूर है, क्या कर पाओगे. मैंने कहा नहीं, जरूर करेंगे. कड़ी मेहनत मैंने गांव में सीखी क्योंकि किसान का बेटा हमेशा कड़ी मेहनत से ही अपना जीवन यापन करता है. उसके बाद मैंने 2 साल तक, मेरा 11th और 12th जो कि यहाँ हाईस्कूल कहते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटीधार से पास की और इतनी कठिन स्थिति में भी मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं. उसके बाद उम्र हो गई 17 साल, तो आर्मी में जाना है या कहीं काम करना है तो उसके लिए 18 साल वेट करना पड़ेगा. 1 साल में क्या करता, इसलिए मैं मुंबई चला गया. मुंबई में शुरुआत में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, छोटे मोटे काम किए, वेटर से लेके, किचन से लेके और जॉब सारे काम किए, तब जाके अपना जीवन यापन किया और इंतजार कर रहा कि कब मैं 18 साल का हूँगा. जब 18 साल का हुआ तो मैंने ऑटोमोबाइल कंपनी में ज्वाइन की और नसीब अच्छी थी, लोग अच्छे मिले, ऑफिसर अच्छे मिले. उन्होंने मेरे इच्छा को कहा कि नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डू इट.
Then I started further study after a gap of 1 year. मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स की MA LLM और 12 साल तक लगातार नाइट की. उससे ये हुआ कि मुझे दिन का समय मिल गया. बचपन में कम सोता था, ये गॉड गिफ्ट है कि मैं सिर्फ दिन में 24 घंटे में 4 ही घंटा सोता हूँ. वो जो 4 घंटे सोते हैं जी हाँ, बाकी 20 घंटे आप काम में लगाते हैं. 20 घंटे मैं काम करता हूँ. स्टडी के लिए मुझे मौका मिला. मैंने काफ़ी साल थिएटर किए, बतौर एक आर्टिस्ट मुंबई में काम किया. सॉकर प्लेयर रहा महाराष्ट्र का, हॉकी खेली, क्रिकेट खेला. ये सारे मल्टी टैलेंटेड काम इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी नींद कम है, मैं सिर्फ 4 घंटा सोता हूँ. और ज़्यादा से ज़्यादा कभी थक गए तो 6 घंटे. लेकिन 16 घंटा काम करने की आदत मेरी बचपन से है, वो आज तक गई नहीं. इसलिए मुझे पूरा फायदा हुआ मेरी कम नींद का, कि मैं जब दुनिया उठती है तब तक मैं आधा काम कर चुका होता हूँ. तो यही सफलता का राज रहा. और मेरी माँ ने एक सीख दी थी कि बेटा, अगर जीवन में कुछ कर सको तो दूसरों का भला, परोपकार करना, समाज के लिए काम करना. अपनी ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता वही सच्चा इंसान है. माँ की वो सीख अपने सीने में लिए मैं मुंबई जब गया, तब मैंने समाज में जो अत्याचार, अन्याय, इनजस्टिस, पॉवर्टी, इसके लिए काम करना शुरू किया. मैंने काफ़ी संस्थाओं के साथ काम किया, बतौर वाइस प्रेसिडेंट TB फाइटर्स फाउंडेशन, TB पेशेंट्स के लिए. उस समय TB बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैंने TB पेशेंट्स के लिए काम किया, कैंसर के लिए काम किया, दहेज विरोधी मूवमेंट्स चलाए, चिपको मूवमेंट्स चलाए, जो कि आज हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं. तो उसमें मेरा तो बचपन ही उसमें गया है कि इन्वायरमेंट के प्रति मेरी जागरूकता रही. जो मैंने नुक्कड़ नाटक जिसे कहते हैं, छोटे छोटे स्टेज ड्रामा, वो हमने किए चिपको मूवमेंट के. जब गांव में जंगल कटते थे, उस जंगल को बचाने के लिए गांव के सारे लोग पेड़ों पर चिपक जाते थे और काटने नहीं देते थे, तो उस मूवमेंट में मैंने काफ़ी साल काम किया. तो पर्यावरण के प्रति जिंदा दिली बचपन से रही है. और इसी के चलते जब मैंने अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की, तो करीब करीब 9 साल मैंने मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की. उसके बाद मेरी शादी राजेश्वरी से हुई, 2 बच्चे हुए, विवेक एंड विनय. जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगे तो वाइफ का कहना था कि थपलियाल जी, आप स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत अच्छे लीडर रहे हो, क्या आप इस उम्र में, यानी कि आप 40 के पड़ाव के बाद अगर किसी देश जाना चाहो, कड़ी मेहनत कर सकते हो, कर रहे हो, इतनी मेहनत अगर आप विकसित देशों में करें तो आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे? आपको मूव होना है, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, कनाडा जाएं. तब मेरा ख्याल आया कि कनाडा के प्रति थोड़ा रुझान था, कुछ न्यूज़ थी, कनाडा इज अ ड्रीम लैंड, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च की. तो कनाडा आई फाउंड द बेस्ट कंट्री टू लिव इन. हमने इमिग्रेशन की, 2003 में मैं बतौर लैंडेड इमिग्रेंट यहाँ पर आया बच्चों के साथ. लेकिन ये पता नहीं था कि लैंडेड इमिग्रेंट को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इट वॉज वेरी टफ टाइम. शुरू के 15 दिन तो बहुत कठिन भी थे. हम लैंड हुए अक्टूबर में ठंड शुरू हो गई, बर्फ पड़नी शुरू हो गई. तब हमने कहा कि ये काफ़ी गलत डिसीजन हो सकता है, कि यहाँ पर साधन लगने का कुछ होगा. लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फिर से स्क्रैच से शुरू किया, फिर से पढ़ाई की, अपग्रेड किया अपने आप को, फिर जाके उसी ऑटोमोबाइल में फिर लग गए काम पे, फिर और जॉब्स किए, पढ़ाई की, फिर वही 16 घंटे की मेहनत. और 2007 में कॉल टू बार हुआ, थपलियाल लॉ ऑफिस लॉन्च हुई. जिस दिन मैं कॉल टू बार हुआ, उसी दिन मैंने अपनी जो लॉ फर्म लॉन्च की. मेरा एक दृढ़ निश्चय और मेरा एक आत्मविश्वास है कि जिस काम को मैं करना चाहूँगा वो पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ, पूरे लगन धैर्य के साथ. तो मैंने अपने जीवन में एक टैग लाइन है, मेरा जो मूल मंत्र है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अगर 3 फार्मूला है और चौथा नहीं है तो भी मुश्किल है. अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है. तो इन 4 फार्मूला पे मैंने अपना जीवन उतार दिया. 10 साल से ऊपर ब्रैम्पटन में प्रैक्टिस करते करते फिर एक दिन ख्याल आया कि मैंने अपने पार्टनर को पूछा कि यार, कई MP यहाँ पे हैं, जब हम
मल्टीकल्चरल लोगों को डील करते हैं, कस्टमर्स को डील करते हैं, तब लोगों को लोगों समस्या लेके आते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये हम कहते हैं अरे आप अपने एमपीपी को पूछो, नगर सेवक को पूछो, मेयर को पूछो, आप एमपी को पूछो, ये तो कहते हैं लोग नहीं, ये पॉलिटिकल लीडर्स काम नहीं करते। तो आप कौन सी वो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहा होगा ना कि आप लॉ फील्ड के बाद आपने सोचा कि नहीं अब समाज सेवा में आना है उनका रिप्रेजेंटेटिव बनके, तो कौन सी वो दिक्कतें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको इनकरेज किया? सबसे ज्यादा इनकरेज है जैसे कि यूथ का जो इश्यू है, यूथ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनको या तो एजुकेशन सब्सिडी पूरी नहीं मिलती या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कई बच्चे हाई स्कूल तक ही रह जाते हैं, यूथ की समस्या बहुत बड़ी है। और जब यूथ को काम नहीं मिलता तो वे वायलेंस में चले जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वायलेंस होती है, गैंग वायलेंस होती है, सारे गलत रास्ते पर यूथ तब जाता है जब उसको राइट टाइम एजुकेशन ना हो, स्किल्स ना मिले, उसके लिए कोई रुझान ना हो, तो वायलेंस को ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बेटा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो गैंग वार में चला गया, वो ड्रग्स में चला गया, अब हम बात करते हैं लिबरल सरकार की, लिबरल सरकार ने मैरिजुआना को लीगलाइज किया, ठीक है लीगलाइज हो गया, उसे कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, लेकिन आनंद बानंद में जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर हम कुछ सख्त नियम लाएं, कुछ पॉलिसीज बनाएं, वो नहीं हो पाया, तो दूरदर्शिता नहीं रही, इसलिए आज हमारे बच्चे मैरिजुआना को एक्सपोज हो रहे हैं, ड्रग्स को एक्सपोज हो रहे हैं, ब्लैक मार्केट घटने के बजाय बढ़ रहा है। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, जब पेरेंट्स कहते हैं कि हम टाइम पे टोरंटो नहीं पहुंच पाते या जॉब के लिए जॉब बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रैंटन में इंडस्ट्रीज है ही नहीं, बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेस आते हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि टैक्सेस इतनी ज़्यादा हैं, इतनी महंगाई है, इतनी ज़्यादा टैक्सेस, तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो डेली ब्रेड एंड बटर का सवाल है, वो ब्रैंटन में बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ ओंटारियो ब्रैंटन, 700,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल है भी तो भी लीस्ट फंडेड हॉस्पिटल। हमारी जो एमपी है, करंट एमपी कमल खेरा, हमारी एमपी ने कभी 4 साल में मुड़के नहीं देखा कि पब्लिक को क्या चाहिए, जो वादे उन्होंने उस समय किए थे इलेक्शन के दरमियान 2015 में, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब हमने पार्टनर मेरा, जो मैं अपनी बातें वापस जाता हूँ कि प्रशांत से पूछा, फिर वाइफ से पूछा कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ, और वो इच्छा लेके मैं मुंबई में काफ़ी संघर्ष कर रहा था एज ए स्टूडेंट लीडर। अब समय आ गया, अब ऊपर वाले की दया से, भगवान की दया से सब कुछ सेट है, बच्चे बड़े हो गए, वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए, तो अब मुझे कुछ ना कुछ समाज को वापस देना है, इसलिए मैं आवाज़ बन करके पार्लियामेंट जाना चाहता हूँ। तो आपका साथ है, तो बच्चों के साथ मीटिंग हुई, परिवार की मीटिंग हुई, पार्टनर के साथ हुई, तो उन्होंने कहा डैड अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं इनकी तो आवाज़ होती नहीं है, ये तो कुछ विकास की बात नहीं करते। ब्रैम्पटन वेस्ट की सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि मेरी कल ही पैट्रिक ब्राउन से मुलाकात हुई, जो काफी पॉपुलर मेयर है ब्रैम्पटन का, तो मैंने ब्रैम्पटन में मेयर को पूछा कि चलो हम डिस्कस करते हैं कि हमारी सिटी और हमारी जनता का क्या प्रॉब्लम है, आप बात, हमारी काफ़ी देर बातचीत हुई, बातचीत के दौरान पैट्रिक ब्राउन का सुझाव था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट एलआरटी को सपोर्ट करे, फंडिंग करे, साइबर सिक्योरिटी कैंपस लाए, अगर ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन की इश्यूज, ट्रैफिक इश्यूज सॉल्व हो, और मेडिकल हॉस्पिटल या तो नया बने या उसकी प्रॉपर फंडिंग हो, तो ये सारी चीज़ों का फेडरल बिल्डिंग्स हो, तो इस पे हमारी चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा बात सही है, हम अपने लीडर एंड्रू शियर को इस बात से अवगत कराएंगे, और पैट्रिक ब्राउन का जो ड्रीम है वो ड्रीम हर एमपी का होना चाहिए, विकास का, विकास के लिए जो भी संभव होगा हम करेंगे, अपनी पार्टी को इन्फॉर्म करेंगे, उनको एडवाइस करेंगे, उनको शामिल करेंगे, चर्चा करेंगे तीनों लेवल के गवर्नमेंट के साथ, जो जैसे अब हमने शुरू कर दी है, अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, इलेक्शन 21 अक्टूबर 2019 को है, लेकिन जो एमपी ने काम करना चाहिए मैंने अभी से शुरू कर दिया, ताकि मैं तीनों लेवल की गवर्नमेंट के साथ, डग फ्लोड जो प्रीमियर है उसके साथ, जो एमपीपी अमरजोत संधू उसके साथ, पैट्रिक ब्राउन के साथ मिल करके हम
सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये हो नहीं सकता कि अगर तीनों लेवल की गवर्नमेंट जो मूलभूत प्रॉब्लम्स है, जो जो बेसिक नीड्स है पब्लिक की, अगर उस पर तीनों गवर्नमेंट एक साथ लाइजनों के काम करें, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी। फंडिंग का इश्यू नहीं होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। और मुझे पता है कि मैंने एंड्रू श्योर से जब बात की, हम लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या जो एमपी पहले लिबरल के कुछ नहीं कर पाए, क्या ऐसे ही हमारे साथ भी होगा या नहीं? आश्वासन दिया है एंड्रू श्योर ने कि ब्रैम्पटन विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, ब्रैम्पटन विल बी अहेड एट ऑल टाइम्स। दैट्स अ बिग प्रॉमिस देयर। और ये आज आप टीवी पर बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने वोटर्स को, ब्रैम्पटन वेस्ट को, एक बार मुझे मौका दीजिएगा। सो इट्स अ टाइम यू गो अहेड, आप आगे बढ़ो, आप अपने एलिजिबल कैंडिडेट को चुन के दो, 21 अक्टूबर 2019 को मैं पार्लियामेंट भेजो, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, अपना सर्वेंट बना के, अपना दास बना के, अपना सेवक बना के। एक एमपी तो एक नाम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक नाम है, लेकिन जो एक्चुअल है वो एमपी एक समाज सेवक होता है। एक एमपी सरकार का तो है, लेकिन उसके पहले वो जनता का सेवक है, जनता का सर्वेंट है। आप एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, मुझे जनता मुझे एम्प्लॉयमेंट दे रही है कि हम आपके सेवक बनने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमें अपना सेवक तो बनाइए, देखिए फिर क्या होता है। हम वचन देते हैं सारे वोटर्स को और आपके चैनल को भी वचन देते हैं कि 4 साल बाद मैं फिर यहीं आऊँगा और आपको अपने काम बताऊँगा कि मैंने जो प्रॉमिस इलेक्शन के पहले आपको भी किया था, मीडिया में जो बात कही थी, वो पूरा हुआ या नहीं। अगर सह लीजिए, अगर हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीति का त्याग कर देंगे। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ राजनीति में आना कोई जॉब नहीं है। आप सबको पता है कि मैं एक हाई प्रोफेशनल लीडिंग लॉयर हूँ, हमारी लॉ फर्म काफ़ी रेपुटेड है। रेवेन्यू की कोई इश्यू नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, काम की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीआर लॉ इतनी स्ट्रांग लॉ फर्म होने के बाद हमने ये चुना कि हम जनता के सेवक बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी माँ की इच्छा पूरा करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हमारे वोटर्स ब्रैम्पटन वेस्ट से हमारी माँ की इच्छा पूरी करेंगे। और फिर जब सवाल माँ की इच्छा का होता है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं और उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वचनबद्ध हैं, हम प्रॉमिस करते हैं ऑल द वोटर्स ऑफ ब्रैम्पटन वेस्ट, आप एक मौका दीजिएगा, आपको निराश नहीं होने देंगे, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल बाय माय वर्क। क्योंकि जो 16 घंटा मैं अपने काम के लिए देता हूँ, वो 16 घंटा मैं फिर सिर्फ आपको दूंगा, आपकी सेवाओं के लिए दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं ब्रैम्पटन को एक नई हाइट दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये बात हमारे लीडर एंड्रू श्योर को पता है कि अगर मुरारी लाल चुनाव लड़ रहा है किसी दृढ़ निश्चय के साथ, वो पार्टी में आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पक्का पता है। और उसके सपने पूरे करने के लिए पार्टी भी कटिबद्ध है, पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो सपोर्ट करेगी। चलिए इसी प्रॉमिस के साथ फिलहाल हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे मुरारी लाल थपलियाल जी के साथ कि आखिर उन्होंने जब राजनीति में आने का फैसला लिया तो कॉन्जर्वेटिव का हाथ क्यों थामा। बने रहिए चैनल वाई के साथ।